Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर, जहां आप किडनी से संबंधित सभी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IgA नेफ्रोपैथी की। IgA नेफ्रोपैथी का आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे IgA नेफ्रोपैथी होती क्या है। इस बीमारी को बर्जर डिजीज भी कहते हैं और IgA नेफ्रोपैथी सिंड्रोम को नेफ्रोपैथी सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन यह बीमारी है क्या? दरअसल दोस्तों, IgA एक प्रोटीन है जो कि शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। लेकिन जब यह प्रोटीन किडनी में छोटे छोटे फिल्टर यानी ग्लोमेरुली के अंदर गुच्छे बना लेते हैं, तो ये किडनी को नुकसान शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से शरीर में सूजन आ जाती है, जिसे हम नेफ्रोपैथी सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन इस बीमारी का संकेत क्या है, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले यह जान लें कि यह बीमारी आपकी किडनी को फेल भी कर सकती है। वैसे तो दोस्तों, नेफ्रोपैथी सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इसका इलाज भी संभव है। तो चलिए अब हम इसके संकेतों की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके हाथों में, पैरों में सूजन नजर आ रही है, या पेशाब में खून आ रहा है, या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप तुरंत ही पेशाब की जांच कराएं, क्योंकि इस बीमारी की पहचान पेशाब की जांच से ही की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों और ट्रीटमेंट से नेफ्रोपैथी सिंड्रोम से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर आपको नेफ्रोपैथी सिंड्रोम है तो आपको नियमित रूप से किडनी की जांच करवानी चाहिए और अपने कोलेस्ट्रॉल को कम रखना चाहिए। और अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बेहतर डाइट प्लान की जरूरत है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी नेफ्रोपैथी सिंड्रोम और उससे जुड़ी जानकारियां, जिन्हें आप अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप या आपका अपना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। और ऐसी ही नहीं महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं स्वस्थ, तो जुड़े रहें कर्मा आयुर्वेदा के साथ। तो अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।